अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी वनीला स्पंज की रेसिपी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 7 इंच का मोल्ड ले लिया है और उसे मैं ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करने के बाद मैं इसमें लगा लूँगी बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। साइड पे भी लगा लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा मैं छोड़ रही हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि केक हमारा राइज होगा तो बाहर ना निकल के आ जाए, इस वजह से। दूसरी तरफ मैंने ले लिए 4 अंडे। अंडे आप रूम टेम्परेचर पे लेंगे, फ्रिज वाले नहीं लेंगे। साथ में मैं ले रही हूँ पाउडर शुगर 100 ग्राम। नॉर्मल जो घर की चीनी होती है उसे मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद उसे मैंने फिर छान लिया। अगर आपके पास कास्टर शुगर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ी थोड़ी सी शुगर डालते जाएंगे और अंडों को बीट करते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। इससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अंडों को हमें इतना बीट करना है ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए और क्रीमी सा टेक्स्चर आ जाए। तब तक हमने बीट करना है, 3 से 4 मिनट लगते हैं बीट करने में। इसी दौरान मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। चार अंडों में से आप ये 2 पाउंड का केक बना सकते हैं। फ्रॉस्टिंग और डेकोरेटिंग करने के बाद ये 2 पाउंड का हो जाता है। ये देखिए क्रीमी सा हो गया। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया 100 ग्राम और 1/2 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लिया मैंने। अब इसे डाल देंगे इस मिक्सचर में, अंडे वाली मिक्सचर में। थोड़ा थोड़ा करके मैदा छान के डालेंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे। मशीन नहीं चलाना है अब आपने, हल्के हाथ से फोल्ड करते जाएंगे। मैदा आप जब भी यूज़ करें उससे पहले छान लिया करें। मैदा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये जो जिस टिन में हमने बटर पेपर लगाया था इसमें ये डाल देंगे सारा बैटर। डालने के बाद मैं इसे रख दूंगी बेक होने के लिए। पतीला मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो अपने ओवन के हिसाब से इसे बेक कीजिए। मैंने पतीले में एक चूल्हे का स्टैंड रख दिया। आप कोई भी जाली स्टैंड ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं, कोई पतीले का ढक्कन ले सकते हैं। इसे कवर कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 25 से 30 मिनट में ये बेक हो जाएगा। चेक करेंगे, केक हमारा बेक हो चुका है। स्टिक देखें क्लियर है, केक बेक हो चुका है हमारा। अब इसे हम निकालेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम लेयर्स में कट करेंगे। इसके बाद हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। फ्रॉस्टिंग के बाद हम डेकोरेशन करेंगे इसकी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए केक कितना सॉफ्ट बना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।